जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं लेमरू वन परिक्षेत्र में, जो कि अरेतरा और लेमरू के मध्य हम इस वक्त खड़े हैं। और यहाँ पर बेहद ही लापरवाही जनक कृत्य जो है महीनों से पड़ी हुई है। इस पर हमने जो है महीने दो महीने पूर्व में भी कार्य किया है और वन परिक्षेत्र अधिकारी के जो है कान में जू नहीं रेंगी। वन परिक्षेत्र अधिकारी लेमरू का यह मामला है। और देखिए, सड़क के ठीक किनारे लगभग आधी सड़क जो है वह टूट चुकी है। और यह महीनों की बात है, आजकल की बात नहीं है। इससे पहले भी हमने सूचना दिया है, खबरों के माध्यम से भी जानकारी दी है। अब आप देखिए कि यह यहाँ पर जहाँ पर सड़कों पर रोड लाइट की व्यवस्था नहीं होती है और यहाँ पर घाटी है, जंगल है, अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पर मदद भी नहीं पहुँचाई जा सकती। और उस तरह से इस खाई में यदि बाइक चालक या कार चालक गिर जाता है तो कितनी बड़ी क्षति, कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इन्हीं रास्तों से वन परिक्षेत्र अधिकारी लगातार दिन में दसन बार जो है अनेकों बार विजिट करते होंगे, ताकि वन परिक्षेत्रों में वन संपदाओं की रक्षा की जा सके। किस तरह से वे रक्षा करने के लिए विजिट कर रहे हैं और उन्हें उनकी नज़र इनायत इन सड़क पर, टूटी हुई सड़क पर क्यों नहीं पड़ती। लगातार जब हमने खबर बनाई थी उस दौरान यह यहां तक टूटी थी, आज इसकी स्थिति जो है वह बढ़ती जा रही है, टूट कर वह जो है यहाँ तक जो है लगभग आधी सड़क वह जो है वह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यह वन परिक्षेत्र अधिकारी की घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर बड़ी दुर्घटना अगर हो जाती है और किसी की इससे मृत्यु हो जाती है, बड़ी अनहोनी हो जाती है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी वन परिक्षेत्र अधिकारी लेंगे? लेमरू वन परिक्षेत्र अधिकारी क्या इसकी जानकारी लेंगे और इसकी जिम्मेदारी लेंगे? तो कहीं ना कहीं यह घोर लापरवाही है। इस तरह से घोर लापरवाही जो है, हमारा निवेदन है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी न बरतें। क्षेत्र में यदि वन संपदाओं की रक्षा करने के लिए इन सड़कों से गुजरते हैं तो इस तरह की सड़कों की दुरुस्तीकरण की जिम्मेदारी भी आप ही की है। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।